उबर अहमद मेरा नाम है, नगर पंचायत सातवार भाजपा का मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का। जी क्या मामला है? एक हमारी जमीन है, 16 कट्ठा जमीन है, वो सौ कतदारी में है। ये भी है, हमारे चाचा लगता है, इसकी भी जमीन है, मेरी भी है। मेरी जमीन पर मदरसा दिखाकर फर्जी भुगतान है, जबकि मदरसा में पठन पाठन नहीं है। और निरंतर शिकायत के बाद जा जाती है तो रिश्वत देकर फर्जी भुगतान हो रही है। कौन करा रहा है? ये इसमें जो है जहीर खान वगैरह है, शरीफ अंसारी है, और दो चार लोग इनके सहयोगी सब मिले हुए हैं। लोग संगठित भूमाफिया है, हमारे जमीन पर जबरन कब्जा कर गए और अवैध तरीके से मदरसा का संचालन दिखा कर फर्जी भुगतान हो रही है। और शिकायत पर जांच करता हूँ, जांच आती है तो रिश्वत देकर फर्जी भुगतान। किन किन अधिकारियों के यहाँ अभी तक गए? अल्पसंख्यक कल्याण राज्य अधिकारी जो है बलिया के पास भी शिकायत अनेकों बार दिए हैं, DM के पास भी शिकायत दिए हैं, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री दानी सजाद के पास भी शिकायत दिए हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी शिकायत। कहाँ पे जमीन है और कब से मदरसे चल रहे हैं? सातवार में है जमीन, ये 2003 से फर्जी भुगतान करवा रहे हैं लोग। और हमारे को संज्ञान में तो दिल्ली रहता क्या होता है इसमें? कुछ नहीं होता, पठन पाठन होती नहीं है। जमीन को कब्जा किए हुए, गोदाम बनाया है, दुकान बनाया है। तो 2003 से ये चल रहा है और 2003 तो अब तक ऐसा है कि मेरे पूर्वजों का नाम कटवा दिया फर्जी तरीके से और उसी पर मदरसा निर्माण करा दिया जबरन। ये लोग संगठित। आपके पास क्या एविडेंस है कोई जमीन आपकी है? हमारे पास में पूरा राजस्व अभिलेख है। हमारे जमीन पर अभी वर्तमान में नाम है राजी नंबर 80 है, मौजा महतपाल और सातवार प्रगना खड़ी तहसील बाड़ी जनपद बलिया की जमीन है। घाटा संख्या 80 और 81, 81 पर मस्जिद है, 80 पर जो है मदरसा संचालित दिखाई जा रही है। आपका 80 है, भुगतान हो रही है। अवैध दुकान का निर्माण करा दिए हैं ये लोग। तो क्या न्यायालय में विचाराधीन, क्या न्यायालय में हमारी तजमीसानी मंजूर हो गई है? ये लोग नाम कटवाए तो नाम खारिज कर हम लोगों का नाम अमल बरामद है। मूल बाद में विचाराधीन है, मूल बाद जिसकी मूल संपत्ति है मूल उसकी ही होगी, जिसकी मूल है मूल होगी। लेकिन इस पर बार बार शिकायत के बावजूद भी जो है ना ये लोग सफाई हैं, ये लोग सफाई हैं, ये लोग अखिलेश यादव के सहयोग से जो है ना मदरसा संचालित दिखाकर भुगतान करवा रहे हैं। तो DM के पास में टीम गठित हुई थी, टीम में जो है 2 मेंबर रखे गए थे, राजीव कुमार यादव उस समय जो है और संघ कल्याण अधिकारी बलिया थे और एक उनके सहयोगी थे सीमा पांडे भी थी। ये लोग जांच करिए और फर्जी जो है तरीके से रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाकर रिपोर्ट लगाकर मदरसा का जो संचालन है उसको रोका जाए और जो फर्जी भुगतान हुआ है उसको रिकवरी किया जाए और आपकी सही तरह रिकवरी की जाए। हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर मदरसा दिखाई नहीं जाएगा, उसमें पठन पाठन नहीं है। फर्जी विज्ञान अध्यापक भी है 3 जिनको BA का सब्जेक्ट नहीं मालूम है, किस सब्जेक्ट से BA पास किया है। ठीक।